this you see is a null ending and a dendrite. Dendrite of another neuron. See, network बन जाता है हमारी body में neurons का, क्योंकि conduction का काम करता है, signals के transmission का काम करता है, तो neurons का पूरा network है हमारी body में. ये एक न्यूरोन का नर्व एंडिंग है विच इज कनेक्टेड विद द डेंड्राइट ऑफ अनदर न्यूरोन. ओके, तो एक न्यूरोन का नर्व एंडिंग और दूसरे न्यूरोन का डेंड्राइट विल बी कनेक्टेड, और इनके बीच का जो स्पेस होता है इट्स अ गैप जो दोनों को कनेक्ट करता है, इसको हम बोलते हैं साइनेप्स. तो कैसे ट्रांसमिट होता है सिग्नल एक न्यूरोन से दूसरे न्यूरोन में? जब यहां से सिग्नल आता है, सिग्नल डेंड्राइट से आएगा, डेंड्राइट से सेल बॉडी और सेल बॉडी से एक्सॉन और एक्सॉन से होते हुए यह नर्व एंडिंग में आएगा. जब नर्व एंडिंग विल रिसीव दिस सिग्नल, देयर आर अ फ्यू वेसिकल्स कंटेनिंग सर्टेन केमिकल कॉल्ड न्यूरोट्रांसमीटर. दीज वेसिकल्स अपॉन द अराइवल ऑफ द सिग्नल विल बर्स्ट एंड दे विल रिलीज द न्यूरोट्रांसमीटर इन द साइनेप्स. फिर यहाँ डेंड्राइट पे इधर स्पेशलाइज रिसेप्टर्स होंगे, उन रिसेप्टर से ही न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड हो जाता है और अगले न्यूरॉन में इस सिग्नल को फिर से ट्रांसमिट करना शुरू कर देता है. ओके, तो एंड में देखो, सबसे पहले ये जो सिग्नल लेकर जाते हैं हमारे ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक जाते हैं. ओके, हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम कौन बनाता है? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. तो सिग्नल या तो ब्रेन के पास जाएगा या स्पाइनल कॉर्ड के पास जाएगा. तो ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड के पास यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास जो न्यूरॉन सिग्नल लेकर जाते हैं वो होते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स. ओके, फिर उसके बाद इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग होती है, वो भी न्यूरॉन्स में होती है, ब्रेन में होती है. फिर ब्रेन सिग्नल देता है इफेक्टर्स को, यानी कि इफेक्टर जैसे अभी फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू पिक दिस चॉक अप टू राइट ऑन द बोर्ड, तो मेरा ब्रेन विल टेल माई आर्म मसल्स टू पिक दिस पीस ऑफ चॉक एंड स्टार्ट राइटिंग. तो ब्रेन से जो सिग्नल आया, जो ऑर्डर आया, वो मेरे मसल्स को आएगा. तो हम मसल्स को इफेक्टर्स बोलते हैं. ओके, या अगर किसी ग्लैंड से सिक्रेशन करवाना है तो भी ब्रेन से सिग्नल ग्लैंड के सेल्स तक जाएगा और उस केस में हम ग्लैंड को इफेक्टर बोलेंगे. ओके, तो क्या होता है जब मसल के पास ऑर्डर आता है, वो ऑर्डर लेकर आते हैं मोटर न्यूरॉन्स मसल सेल्स तक जो कि इफेक्टर्स. यहां पर ये एक मसल सेल है. जब सिग्नल आता है यहां से न्यूरॉन्स से तो नर्व एंडिंग में से वही प्रोसेस होगा, यहाँ पे वेसिकल्स बर्स्ट हो जाएंगे एंड द न्यूरोट्रांसमीटर विल बी रिलीज्ड इनटू द साइनेप्स. तो फिर मसल सेल के यहाँ पे मसल सेल के रिसेप्टर्स होंगे, तो मसल सेल के रिसेप्टर्स से जैसे ही न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड होगा तो उस सेल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन का सिग्नल जेनरेट हो जाएगा और ये मसल सेल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी विद द हेल्प ऑफ स्पेशलाइज प्रोटीन्स कॉल्ड एक्टिन एंड मायोसिन. ये प्रोटीन्स अपना अलाइनमेंट और साइज चेंज कर लेते हैं जिसकी वजह से पूरा मसल सेल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, और जब सारे मसल सेल्स एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो वो मसल भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है.